सो हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों। आज की जो बोल सकते हैं कि अपडेट को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और डेफिनेटली जो जिन लोगों ने वेबिनार अटेंड किया तो उनकी जो बोल सकते हैं कि उत्साह जो है, जो इनका जो बोल सकते हैं कि वो चरम सीमा पर होगा, मतलब बहुत एक्साइटेड होंगे सभी। तो हम सभी बहुत ही एक्साइटेड हैं क्योंकि बहुत ही अच्छी अपडेट्स हैं, ना सिर्फ फाउंडरशिप क्लोज को लेकर के, मतलब फाउंडरशिप क्लोज की डेट को लेकर के, उसके अलावा भी कुछ अपडेट्स हैं। तो बिल्कुल वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिए और ध्यान से सुनिए, बड़ा मज़ा आने वाला है। और बस मान के चलिए कि बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छी अपडेट है। चलिए तो मैं आपको ज़्यादा शुरू करता हूँ, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। और जो हमारे ऐड सर आए 11:30 बजे जो वेबिनार शुरू हुआ, और करीबन 1:16 पर इंडियन टाइम के अनुसार जब मिस्टर ऐश मुफारे जुड़े तो उन्होंने अपडेट्स दी, और बड़ी जल्दी अपडेट्स दी और बड़ी शानदार अपडेट्स उन्होंने दी। और सबसे पहले एनडीए को लेकर के जो है, तो जैसे आपको बताया गया था कि जो डिल्लन सर ने भी, उन्होंने बताया कि जो आपने देखा होगा लास्ट वीडियो हमने भी बनाया था जिसमें आपको मेल वगैरह का जो ऑप्शन दिया हुआ है तो वो भी आप उसमें कर सकते हैं। उसके अलावा भी जो है, जैसे बताया कि आपको इसमें जो है जो फ़ोन नंबर है, कई लोगों ने जैसे कई अपने फ़ोन नंबर जो है नहीं डाले हैं अपने जो प्रोफाइल में, तो फ़ोन नंबर वो डाल लीजिए। और साथ ही साथ जो है फ़ोन नंबर के अलावा जो है जैसा नाम में कुछ भी हो तो आप उसमें नाम में भी जो अपना चेंज जैसे करना हो, जो भी आपकी स्पेलिंग वगैरह की प्रॉब्लम, तो वो ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि वो ज़रूरी है। कई लोगों ने क्या किया कि जैसा मोबाइल नंबर है तो उसके आगे 000 लगा दिया है, जबकि खाली 00 करके रख दिया है, तो अपना प्रॉपर जो भी नंबर है एक्चुअल में वो डाल दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जैसे आप मान के चलिए इसमें जैसे कई लोगों ने जैसे किसी के कई आईडियाँ, जैसे 1, 4, 2, 3, 4, 5 आईडी है, तो उसमें सेम मोबाइल नंबर, मतलब आपका मेल आईडी तो डेफिनेटली अलग अलग है, उनका मोबाइल नंबर एक ही चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ऐसा ने क्लियर बताया कि आपका जो मोबाइल नंबर है आप कितनी भी आईडी में अपना डाल सकते हैं। जैसा फैमिली के नाम, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपकी मेल आईडी है, मान के चलिए सपोज़ आपकी 5 आईडी है, तो उन 5 आईडियों में आप सेम ही जो है मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई। और साथ ही साथ जो है मैं आपको देखिए जो अपडेट्स दे रहा हूँ, हो सकता है उसमें मुझे कुछ मिसिंग हो जाए, मैं मेन मेन अपडेट्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, तो प्लीज़ बैक ऑफिस में जाकर के आप ज़रूर देख लीजिएगा, हो सकता है हमसे भी कुछ मिस हो जाए, तो कुछ मेन अपडेट्स ही मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और साथ ही साथ जो आपको जिसमें उन्होंने जैसे ऐश सर ने बताया कि 7000 बैड प्रोफाइल हैं जिसमें कुछ ना कुछ कमी है। बैड प्रोफाइल मतलब कि जिसके अंदर कुछ ना कुछ कमियाँ रह गई हैं, या किसी में कुछ रह गया, कुछ डॉट और ये कुछ हुआ है, तो उस पे जो है सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए। तो करीबन 7000 ऐसी एवरेजन 6 या 7000 ऐसी बैड प्रोफाइल हैं, तो वो भी हो जाएगी। और साथ ही साथ जो रिफ़ंड को लेकर के बहुत अच्छा उन्होंने अपडेट दिया कि जैसे रिफ़ंड है, तो रिफ़ंड जो है जो जितने भी रिफ़ंड जो लोग लेना चाहते थे या जिनका रिफ़ंड है, तो वो जो है इस मई एंड तक हो जाएगा, मतलब उसकी सारी प्रोसेस हो जाएगी। हो सकता है कि जैसे मान के चलिए कि पूरा रिफ़ंड की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी इस मई के एंड तक, और उसके आगे फिर कुछ दिनों बाद वो सबको जो है रिफंड मिल जाएगा, मतलब कि प्रोसेस तो इसकी मई एंड तक पूरी हो जाएगी। तो ये बहुत ही गुड न्यूज़ है हमारे लिए कि जितने जिनको भी रिफंड चाहिए, जो लोग नहीं इंटरेस्टेड है, तो डेफिनेटली अपना रिफंड ले जा सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी न्यूज़ है। और साथ ही साथ है मंथ के एंड तक जो है डाटा सेंटर लाइव हो जाएगा, मतलब मंथ के एंड मतलब भाई 23, 24, 25 तारीख तो हो ही गई है, तो इस मंथ के एंड तक जो है डाटा सेंटर भी, हमारा जो डेटा सेंटर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत बहुत अच्छी न्यूज़ है। डेटा सेंटर को लेकर के मैं आगे और वीडियो आपको बनाऊंगा और उसमें और चीज़ें क्लियर हम करेंगे, तो चलिए। और साथ ही साथ जो है दिस फ्राइडे फर्स्ट फेस कंप्लीट, अब दिस फ्राइडे दिस फर्स्ट फेस कंप्लीट हो जाएगा हमारा जो भी है डाटा सेंटर या जो भी चीज़ें। और एक जो बात बहुत अच्छी बोली थी मिस्टर ऐश मुफारे ने, जो मुझे बहुत पसंद आई, वो था कि ऑन पैसिव डोमिनेट द डेटा सेंटर इंडस्ट्री। सोच लीजिए, तो डोमिनेट करने वाला है ऑन पैसिव डेटा सेंटर इंडस्ट्री को, दिस इज़ अमेजिंग, राइट। और साथ ही साथ जो है बोल सकते हैं कि जो, चलिए फ्राइडे, इसके अलावा जो है हम अगर बात करते हैं यहाँ पर कि ओ मेल और ओ कनेक्ट जो है विथ डेटा सेंटर, मतलब ओ मेल और कनेक्ट भी पूरी तरह से रेडी है और डेटा सेंटर के साथ वो ऐड होंगे। प्लस एक और बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग है कि जो 9 वीडियो जो हैं ऑन पैसिव के, जो 9 वीडियो मतलब ऑन पैसिव के जो प्रोफेशनल वीडियो हैं, जो ऑन पैसिव की जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उस पर आपको 9 वीडियो अभी आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें सारे प्रोडक्ट से रिलेटेड तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग है ओ फाउंडर से रिलेटेड भी एक वीडियो उसके अंदर है।
तो ये पूरा प्रोफेशनल वीडियो है, करीबन ऐसे 9 वीडियो हैं जो आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिल्कुल प्रोफेशनल वीडियो। तो आने वाले कुछ ही दिनों में आप वो देख पाएंगे जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वन ऑफ द बेस्ट जिसका आप सब इंतज़ार कर रहे थे वो फाइनल तो हो ही गया भैया, आपको कहीं ना कहीं पता तो चल चुका होगा, लेकिन फिर भी बता दें कि 23rd, ध्यान से सुनिए, 23rd मतलब 23rd जून 2022, है ना, 23 जून 2022 को जो है बोल सकते हैं कि न्यू फाउंडर की, मतलब जो है बोल सकते हैं कि टोटली क्लोज हो जाएगा, मतलब नए फाउंडर उसमें बाद नहीं जुड़ने वाले हैं। तो ये जो डेडलाइन नहीं बोल सकते ऐसे कि, मतलब ये फिक्स डेट है कि उसके पहले भी हो सकता है, राइट, उसके पहले भी फाउंडरशिप क्लोज हो सकती है, लेकिन जो है 23rd जो लास्ट डेट आ गई है कि 23rd के जो है 23 जून 2022 जो है डेट आ गई है, और इसके बाद नए फाउंडर बिल्कुल नहीं जुड़ने वाले, हो सकता है उसके पहले भी जो है ये क्लोज हो जाए, मतलब कि ये बड़ी ही अच्छी और गुड न्यूज़ है जिसका इंतज़ार हम बेसब्री से कर रहे थे दोस्तों। तो हम कहीं ना कहीं जो है लॉन्च होने की तैयारी में है, तो बस ज़्यादा अब हमको वेट नहीं करना है, और एक बड़ी कंपनी के, हम एक प्राउडली बोल सकते हैं कि एक ऐसी कंपनी के प्राउड फाउंडर है जिसमें आने वाले दिनों में बहुत खुशी आने वाली है दोस्तों, और इवेंट्स भी डेफिनेटली आने वाले दिनों में होने वाले हैं। तो बिल्कुल आप बेसब्री से जो इंतज़ार कर रहे थे फाउंडरशिप क्लोज होने का, तो वो जो है आपको डेट आ गई है, ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, 23 जून 2022, तो ये जो डेट है इसमें भी डेडलाइन नहीं है, फिर से बताऊं तो इसके पहले भी हो सकता है कि ये फाउंडरशिप जो है क्लोज हो जाए, तो ये बहुत गुड न्यूज़ है। तो दोस्तों बस इन्जॉय कीजिए प्रोसेस को इसी तरह से जिस तरह से करते आए हैं, और आप ज़रूर जो है अपने सारे फाउंडर्स के साथ में शेयर कीजिए, अपने सारे फाउंडर को बताइए ये गुड न्यूज़। आप सबको जो है बहुत बहुत बधाई एक बार फिर दोस्तों, बाय बाय गाइस, थैंक यू वेरी मच, एन इट टू विन इट।